तो दोस्तों अगर आपके पास Redmi, Poco या Xiaomi का कोई भी डिवाइस है और उस डिवाइस पे आपका MIUI 12 या MIUI 13 रन कर रहा है, पर जो डिवाइस आप वहां पे यूज कर रहे हैं उस डिवाइस में एक जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो लेटेस्ट वर्जन सभी को रोल आउट कर दिया गया है, पर अगर अभी तक आपको वो अपडेट देखने को नहीं मिला है और उस अपडेट को पाना चाहते हैं तो कैसे पा सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। इसके लिए आपको क्या प्रोसेस कंप्लीट करना है वो टोटल चीज मैं आपको बताऊंगा, और 2 से 3 दिन के अंदर में जो अपडेट सभी को रोल आउट किया गया था वो अपडेट आपको भी देखने को मिल जाएगा, और ये 100% यहाँ पे वर्क करता है। मैंने काफी बार इसको ट्राई किया है, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं, और इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा, और जो भी सॉफ्टवेयर का अपडेट आपके पास नहीं आया है वो सॉफ्टवेयर का अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे सेटिंग में जाता हूँ और अबाउट फोन में जाता हूँ तो इस डिवाइस में MIUI का 13.0.10.0 ये रन कर रहा है, पर इसमें एक लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर रोल आउट किया गया है वो है MIUI 14, और ये जो अपडेट है सभी को रोल आउट हो गया है पर मुझे अभी तक अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो इसको कैसे पा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको यहाँ पे 3 सेटिंग को फॉलो करना है। पहला सेटिंग क्या है कि आपके डिवाइस में जो मी अकाउंट देखने को मिला है इस पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद जो भी लॉगिन का प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने यहाँ पे पहले से कोई भी अकाउंट बना के नहीं रखा है तो मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे अकाउंट बना ले। मैंने यहाँ पे अकाउंट बना लिया है, और अकाउंट बनाने के बाद देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। मी अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे लॉगिन आईडी देखने को मिल जाएगा। जब ये काम आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं देन आपको सेकंड प्रोसेस कंप्लीट करना है। आपको जाना अबाउट फोन में, और अबाउट फोन में जाने बाद MIUI वर्जन पे टैप करना है। MIUI वर्जन पे टैप करने बाद ऊपर में आपको जो 3 डॉट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन में, और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने बाद जो डाउनलोड ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये अगर आपको ऑन करके रखना है तो ऑन करके रख सकते हैं, अगर डाटा काफ़ी कम है तो उसको ऑफ कर दें। साथ में इंस्टॉल ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिसीव अपडेट अर्लियर वाला ऑप्शन, इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने बाद जब भी कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको यह देखने को मिल जाएगा, और साथ में सॉफ्टवेयर अपडेट का जो शॉर्टकट है वो ऐड करके रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर अपडेटर में ऐड करके रख सकते हैं, तो इसे क्लिक करके आप चेक करते रहिएगा। चलिए अब आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। इसके लिए आप नीचे जाएं, नीचे जाने के बाद एक ऑप्शन देखने मिलेगा सर्विस एंड फीडबैक का। सर्विस एंड फीडबैक वाला जो ऑप्शन मिला है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पूछा जाएगा, एग्री पे क्लिक करना है। सबसे पहले माई फीडबैक का ऑप्शन मिलेगा, लोगो का ऑप्शन मिलेगा, उसके अलावा यहाँ पे 5 इशू देखने को मिलेंगे। अगर इसमें 5 में कोई इशू आ रहा है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो सबमिट फीडबैक वाला ऑप्शन मिला है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फीडबैक का कोई भी एप्लीकेशन का अपडेट अगर आया है तो उसको सबसे पहले तो आप अपडेट कर ले। ऊपर में 2 ऑप्शन देखने मिलेंगे, इशू का और सजेशन का। अगर आपको सजेशन देना है तो दे सकते हैं, और अगर आपके मोबाइल में कोई इशू है तो इशू पर टैप करें, और टैप करने बाद आपको एक यहाँ पर लेटर लिख लेना है। तो आप अपने हिसाब से लेटर लिख सकते हैं, मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है जिसमें मैंने लिखा है Yet I have not received any MIUI 14 update in my device Redmi Note 10 Pro. My device current version is MIUI 13.0.10.0. Please provide a latest version MIUI 14. ये मैंने लिखा है, और नीचे में आपको ऐड इमेज और शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं या इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। इमेज कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको क्या करना है, अबाउट फोन में जाना है, और जो आपको ये स्क्रीन शॉट देखने को मिला इसका एक स्क्रीन शॉट ले लेना है। ये स्क्रीन का आपने जैसे स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर MIUI 13 पे आपको क्लिक करना है, चेक फॉर अपडेट पे एक बार चेक कर लेना है, और इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। दो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, और उसके बाद फिर से आपको सर्विस फीडबैक में जाना है, सबमिट फीडबैक में जाए, और ये जाने के बाद अब आपको क्या करना है, जो ऐड इमेज वाला ऑप्शन देखने को मिला इस पर आपको क्लिक करना है, और जो 2 इमेज का आपने स्क्रीनशॉट लिया था उस स्क्रीनशॉट को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। मैंने ऐड कर लिया, देन ओके पे क्लिक कर दूंगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड हो चुका है। देन आपको सिलेक्ट आइटम वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपके मोबाइल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हीटिंग का इशू आ रहा है, बैटरी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी चूज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे फिलहाल आ रहा है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, मुझे सॉफ्टवेयर का अपडेट देखने को नहीं मिला है, तो वो आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा सिस्टम टूल्स में। जैसे आप सिस्टम टूल्स में जाएंगे तो और भी ऑप्शन काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं। आपको क्या करना है, जो इंस्टॉलर ग्लोबल वाला ऑप्शन शो हो रहा है ये देख सकते हैं, जो इंस्टॉलर ग्लोबल वाला ऑप्शन मिला है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पर टाइम सिलेक्ट कर लेना है, तो आप अपना करेंट टाइम यहाँ पर सिलेक्ट कर ले, देन ओके पे क्लिक कर देना है।
चलिए मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। देन उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पे डाल लेना है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अगर आपको लोगो ऐड करना है तो ऐड लोगो पे क्लिक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा। देन सेंड पे क्लिक करूँगा। अपलोड में बताया जा रहा है टू हेल्प आवर इंजीनियर लोकेट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम योर इनकॉन्टेक्ट एज सुन एज पॉसिबल रिकमेंडेड डेट योर अपलोड द रिलेटेड लोगो। लोगो आर ओनली यूज टू एनालिसिस प्रॉब्लम एंड वॉन्ट बी यूज फॉर अदर पर्पज। आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद डोंट शो अगेन पे क्लिक करके फिर से एग्री पे क्लिक कर देना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और ये यहाँ पे सेंडिंग हो रहा है। सेंडिंग होने में लगभग 1 से 1.5 मिनट यहाँ पे लग जाता है, तो आपके मोबाइल में मोबाइल डाटा ऑन होना चाहिए। जब ये सेंड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे सेंट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। कैसे चेक कर सकते हैं, तो माई फीडबैक में जाइएगा तो जो भी आप यहाँ पे लेटर डालते हैं, जो भी कंप्लेंट डालते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। उधर से अगर कोई रिप्लाई आएगा तो यहाँ पे आपको रिप्लाई देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे चाहे तो उस रिप्लाई को पढ़ सकते हैं, साथ में रिप्लाई भी कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों 2 से 3 दिन के बाद आप यहाँ पे देखिएगा तो जो भी सॉफ्टवेयर का अपडेट रोल आउट किया गया है, वो सॉफ्टवेयर का अपडेट आपको भी मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।